हाँ भाई, 12th क्लास स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशो में अब आप आ गए हो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, फॉर्मूला आपको बताई दिया था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और ये टाइम्स में आएगा। यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 68, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है हमें, यानी कि टोटल सेल है वो है 2 लाख। कैश सेल्स वो दे रखी है 40,000। ट्रेड रिसीवेबल्स एट द बिगिनिंग एट द एंड, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। हाँ भाई, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो आपको ये पूरा ही लिखना है, मैंने तो शॉर्टकट में लिख दिया है। यहां पे आप लिखेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, आपको पूरा ही लिखना है। हाँ भाई, अब हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्रेडिट सेल्स। तो हमें कैश सेल्स दे रखी है इसमें और टोटल सेल दे रखी है पहले 2 लाख, यानी कि टोटल सेल्स में से हम कैश सेल्स माइनस कर देंगे। रिटर्न तो दे ही नहीं रखी, टोटल दे रखी थी 2 लाख, कैश दे रखी थी 40,000। ये आ गया आपका 1,60,000। क्या? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि क्रेडिट सेल। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग दे रखे थे 20, क्लोजिंग दे रखे थे 60। 20 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, 80 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों आइटम हो गए तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो आ जाएगा 160, यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 40। ये आ गया आपका 4 टाइम्स, यानी कि 4 बार ये आपका घूम जाता है। अब अगर हम एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालें कि लगभग कितने दिन में हमारा पैसा डेटर से आ जाता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या था, 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो, 365 डिवाइड बाय 4, 91.25। आपको मैंने पहले बताया था कि जहां पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए तो 1 बढ़ा देना है। लगभग 90 डेज में हमारा पैसा रिकवर हो रहा है, ये ज्यादा टाइम है। हम किसी को उधार माल बेचेंगे तो 3 महीने बाद पैसे आएंगे, तो यहां फर्म को इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखिए 69, यहां पे हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 225, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, यानी कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का 20% क्या है आपका, कैश रेवेन्यू। रिटर्न, रिटर्न दे रखी है वो है क्रेडिट में से 20 की। तो पहले हम यहां पे एक बार नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही निकाल देते हैं। देखो हमें टोटल रेवेन्यू दे रखा है 225, टोटल रेवेन्यू का मतलब है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू दे रखा है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू, 20% यानी 20/100 करके निकाल देंगे, ये आपका आ गया 45,000। रिटर्न दे रखी है 20 की, हमें निकालना क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस रिटर्न। हाँ भाई, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा था हमें 225, इसमें से 45 की होगी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 20,000 हो गए रिटर्न के। तो ये आ गया आपका 1,60,000, 1,60,000। कोई प्रॉब्लम किसी को, टोटल का 20% तो हो गया कैश रेवेन्यू, 45,000 की कैश सेल हो गई और रिटर्न 20,000 दे ही रखा था, तो टोटल में से दोनों को माइनस कर दिया, आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ट्रेड रिसीवेबल्स हमें यहां पे सिंपल दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग 8 है क्लोजिंग 12 है, टोटल 20, 10,000 आ जाएगा इसका एवरेज। तो यहां पे एवरेज 10,000 आ गया, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो निकाल देंगे 16 टाइम्स आ जाएगा,
तो ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि जितना ज्यादा हो। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 23 डेज, यानी कि 23 दिन में हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं। अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो 23 दिन में हमारे पैसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 70, इलस्ट्रेशन नंबर 70 में आपको ट्रेड रिसीवेबल्स, टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों निकालने हैं। हाँ भाई, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, यानी कि टोटल सेल है 4 लाख। कैश रेवेन्यू है 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। जैसे पिछले में ऑन कॉस्ट दिया होता था कई बार जीपी, उसी तरह से निकालेंगे। अब क्योंकि हमें क्रेडिट रेवेन्यू नहीं दे रखा, परसेंटेज जिस पे दे रखी हो उसी को 100 लेट कर लेंगे। हाँ भाई, लेट क्रेडिट रेवेन्यू, अगर हमारा क्रेडिट रेवेन्यू 100 है, अरे एक ही लग जा, तो हमारा कैश रेवेन्यू कितना हो जाएगा? कैश रेवेन्यू हो जाएगा 25। अब टोटल रेवेन्यू क्या होगा? क्रेडिट प्लस कैश। भाई टोटल सेल होगी, चाहे वो कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, तो टोटल सेल आ गई हमारी, टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं इसे, 125। हमें टोटल दे रखी है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है। हमें जरूरत किसकी है? क्रेडिट रेवेन्यू की, क्योंकि हमें निकालना ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। साइड में ये इस तरह से पेज में वो बना लेना, छोटा सा कॉलम, लेट क्रेडिट रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। हमें निकालना क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। वो 100 दे रखा है, जो निकालना है उसे ऊपर रखना है, दिया है हमें टोटल, टोटल उसे नीचे रखना है, 125। जितना दिया है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लाख दिया है भाई, जो निकालना है ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, जितना दे रखा है उतने से मल्टीप्लाई, 4, 5, 80। हाँ भाई, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपका 3,20,000 का। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिर्फ क्रेडिट रेवेन्यू और कैश रेवेन्यू टोटल हो जाते हैं, टोटल रेवेन्यू। तो ये 100 मान लिया, ये 25 हो गया, तो ये 125 हो गया। जो निकालना है ऊपर, जो दे रखा है नीचे, जितना दे रखा मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा हमें निकालना है एवरेज इन्वेंट्री, वो ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इसमें क्या है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो हमें दे रखे हैं 1 लाख के, 1 लाख रुपए के। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग दे रखे हैं 40। हाँ भाई, क्लोजिंग तो दे रखे हैं 1 लाख के, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं 1 लाख रुपए के। ओपनिंग इससे 40 कम है, क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा है तो वो कम हो जाएंगे, इसमें से 40 माइनस कर लो तो 60,000 के आ जाएंगे। भाई इसमें लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग, यानी ओपनिंग से ज्यादा है, तो माइनस करके 60 आ गया। अब निकाल देंगे हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग, ओपनिंग तो 60 थे, प्लस क्लोजिंग, डिवाइड बाई 2, 160 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 80। हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैल्यू पुट कर दो 320 अपॉन में 80, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स आपका पहले भी आया था, तो 92 डेज आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्लियर? 365 डिवाइड बाई 4, तो 95.25 आ जाएगा, वो 92 मान लेंगे। हाँ भाई, 71 पे आ जाओ, यहां दे रखा आपको ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 11 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 165, और रिटर्न दे रखी है 11,000। तो क्रेडिट निकालने के लिए ये दोनों माइनस हो जाएंगे। क्लियर? जब हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, टोटल में से कैश भी माइनस हो जाएगा और रिटर्न भी माइनस हो जाएगी। ये आ जाएगा 9,24,000। इसको इग्नोर कर देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, क्योंकि ये प्रोविजन ही है। टोटल डेटर्स ओपनिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, ये BR ओपनिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, BP का कोई रोल ही नहीं है इसमें, बिल्स पेबल तो क्रेडिटर में आता है। तो यहां पे जब हम एवरेज निकालेंगे तो ओपनिंग
डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर, टोटल जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 77,000 आ जाएगा आपका एवरेज। ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा 12 टाइम्स, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, 365 डिवाइड बाई 12 लगभग 31 डेज में हमारे पैसे वापस आ जाते हैं। इसे आप मंथ्स में भी निकाल सकते हो, एक साल में 12 महीने हो गए, ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो 12 हो गया तो 1 मंथ आ जाएगा। डेज में निकालना है तो साल में जितने भी दिन हैं, मंथ में निकालना है तो जितने भी महीने होते हैं, 12 बाई 12 1 मंथ आ जाएगा। वीक में भी निकाल सकते हो, 52 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना, वो वीक्स में आ जाएगा कितने वीक में पैसे मिल जाते हैं। चलिए छोड़िए, 72 पे आइए, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो एक ही चीज है, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हैं। यहां पे हमें दे रखे हैं ओपनिंग डेटर्स, क्रेडिट सेल, कैश रेवेन्यू फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। तो आपको ध्यान होगा 11th में जब हम डेटर्स अकाउंट बनाते थे ना, तो वहां से हम ओपनिंग क्लोजिंग डेटर निकाल सकते हैं। हमें ओपनिंग डेटर दे रखे हैं 120 के, क्लोजिंग डेटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देना है, इसे माइनस कर देना है, इसे माइनस कर देना है और इसे भी माइनस कर देना है। ओपनिंग डेटर हमारे हैं 120 के, क्लोजिंग आ जाएंगे 60 के, ये इस तरह से निकलेंगे। ओपनिंग डेटर में क्रेडिट सेल प्लस कर देंगे, बाकी तीनों माइनस हो जाएंगे। सृष्टि दिमाग खराब मत कर बेटा, एवरेज डेटर निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 90,000 आ जाएगा और बाकी तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो आप निकाल ही लोगे। तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसमें, ठीक है ना, मैं उसका फोटो और भेज दूंगा। ये जैसे 11th में आपने निकाले थे ना टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए थे। हाँ भाई, अरे सृष्टि टीचर 73 और देखो, चलो इसे बाद में कराएंगे।